हेलो फ्रेंड्स, सॉरी आज मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ इस वीडियो के लिए, आज की दूसरी वीडियो के लिए। जैसा कि जानते हैं कि अब अभी कुछ देर पहले ही मैच शुरू हो चुका होगा दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस मुंबई इंडियंस का। तो ये मेरी प्रेडिक्शन दिल्ली कैपिटल्स के लिए। पहली बात, मेरिट उनकी है एज फैक्टर, जैसा कि हम सब जानते हैं वो सबसे यंग टीम में से एक है। और लेकिन डीमेरिट है, वहाँ उनके पास कोई मैच विनर प्लेयर नहीं है। मुंबई इंडियंस के पास मेरिट ये है कि उनके पास हर चीज़ के मैच विनर प्लेयर्स हैं। पांड्या ब्रदर्स हो गए, किरण पोलार्ड हो गए जैसे। लेकिन हाँ, यहाँ पे लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन टीम में है, ये बात से इनकार नहीं किया जा सकता। प्रेडिक्शन के बारे में जहाँ तक मेरा मानना है, दिल्ली कैपिटल्स पहली बैटिंग चूँकि हम जानते हैं कर रहे हैं, यह 170 से कम रन बनेगा मेरे हिसाब से। और हनुमा विहारी 40 रन से ज़्यादा बना देंगे, नॉट आउट रहेंगे अल्टीमेटली। रोहित शर्मा जब बैटिंग के जहाँ तक बात करें मुंबई इंडियंस की, तो 70+ रोहित शर्मा का। और अगर उनकी बॉलिंग देखेंगे तो जसप्रीत बुमराह 5 विकेट्स। और प्लेयर ऑफ द मैच मेरे ख्याल से जसप्रीत बुमराह ही होंगे, और मेरे ख्याल से 7 विकेट से या उससे ज़्यादा के अंतर से मैच जीत सकते हैं। बैटिंग का जहाँ तक सवाल है, मुंबई इंडियंस की जीत पर मैं 11 बक्स लगाऊंगा फॉर 2 बक्स। दिल्ली कैपिटल्स के जीत के लिए मैं 7 बक्स मिलेगा 1 बक के लिए, और टाई के लिए होगा तो 29 बक्स फॉर 18 बक्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।